कौन को यहाँ पर? आज मैं तेरे को चमत्कार दिखाने वाला हूँ। रेडी हो जा, रेडी हो जा। खोलो 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 खोलो। तो बेसिकली कल मैं अपने किचन के अंदर बिस्कुट रख के गया था और अभी हमको देखना कि क्या वो बिस्कुट है कि नहीं। अरे यार नहीं। तो बेसिकली गाइस ये है मेरा घर और यहाँ पर एक्चुअली कुछ घुस चुका है। बहुत से बंदे बोल रहे हैं मेबी चूहा हो सकता है, बहुत बंदे बोल रहे हैं मेबी बिल्ली हो सकती है, और कुछ लोग बोल रहे हैं डॉगी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं लॉगी हो सकता है, लॉगी हो सकता है। तो बेसिकली गाइस बहुत टाइम पहले मैं स्ट्रीम कर रहा था, तो स्ट्रीम के दौरान मैंने कुकिंग की, और कुकिंग के दौरान जब मैंने अपना ब्रेड का पीस उठाया तो यहाँ से बहुत बड़ा चंक गायब था। फिर मेरे को लगा कि जब मैं शॉपिंग करने गया था तो मेबी शायद मैंने शॉपिंग मॉल से गलत पीस उठा लिया होगा, तो मैंने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। मेरे दिमाग में गाइस एक शक पूरा बैठ चुका था कि घर के अंदर कुछ ना कुछ है। Let's go. और अपना शक दूर करने के लिए मैं हर एक दिन एक बिस्किट निकालता गया और यहाँ पर रखता गया। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि मैं जब अगले दिन आता हूँ तो बिस्किट सरप्राइजिंगली वहाँ पर नहीं होता, और वो इतने सफाई से बिस्किट खा रहा था कि लिटरली बिस्किट या ब्रेड या आलू किसी भी चीज का एक पार्टिकल, एक बिस्किट क्रम यहाँ वहाँ नहीं है। लेकिन मैंने एक दिन नोटिस किया कि मेरे आलू गायब है। अब मैं आलू नॉर्मली रखता हूँ यहाँ पर, वन सेकेंड गाइस, एक भी आलू का पार्टिकल यहाँ वहाँ नहीं है। उसके बाद पूरे घर के अंदर आलू ढूंढने लगा, लिटरली मैं कमरा दर कमरा जा रहा हूँ आलू ढूंढने के लिए, और फाइनली मेरे को आलू कहाँ मिलता है? अपने गैस के नीचे। ओ, तो इसका मतलब ये है कि चूहा वही कहीं पे है, मेरी बिल्ली भी हो सकती है, जो भी है वही कहीं पे है, मे भी मेरे घर के अंदर कोई इनडायरेक्टली रह तो नहीं रहा। और यही देख के मैंने अपने हाथों में चप्पल पकड़ ली और कमरे दर कमरा बंदे को ढूंढने निकल पड़ा। इसके अंदर तो कहीं नहीं बैठा, उसके बाद मैं ऊपर चला गया, फिर बाथरूम में देखा, फिर पहले वाले पीसी के कमरे के अंदर देखा, फिर दूसरे पीसी कमरे के अंदर देखा, और कुछ भी नहीं मिला। खाना पीना मैं बाजार से लेके आ रहा हूँ और ऐश चूहा कर रहा है। तो उसको पकड़ने के लिए मैंने एक बिस्कुट रखा है यहाँ पर। अब मेरे को पता है चूहे छोटे मोटे होते हैं, दो बिस्कुट नहीं खा पाएंगे, एक ही बिस्कुट खा पाएगा, तो लॉजिक सिंपल है, अगर वहाँ से बिस्कुट खाया तो वहाँ से आ रहा है, और अगर वहाँ से बिस्कुट खाया तो वहाँ से आ रहा है। और अभी आ चुका गाइस दूसरा दिन, और आज पता लग जाएगा कि चूहा कहाँ से आ रहा है। दूध का दूध पूरा पानी का पानी कर देंगे हम लोग। अजीब भूख भरा चूहा, तो ये वाला भी गायब है एंड ये वाला भी गायब है, लेकिन टेंशन नॉट। अभी आता प्लान नंबर टू। अभी गाइस मेरे हाथ के अंदर थोड़े रखे हैं दो बिस्कुट, ये जाएगा यहाँ पर, एंड ये है एक हैवी ड्यूटी डब्बा। मैंने ये प्रैप मतलब टॉप एंड जेरी पे से मारा है। अभी ये रखना है मेरे को ऐसे। अभी चूहा आएगा बिस्किट खाएगा और डब्बा नीचे करेगा। पहले बता दो प्लानिंग क्या है यहाँ पे। आज मैं 24 आवर यहीं पे वेट करना है मेरे को। भाई आपको पता ना, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए तो वो नहीं आने वाला, पचेगा नहीं आज। चल 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 रोज पूरे 4 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं। चपाती भाई कब से किचन के अंदर बैठे हो, क्या कर रहे हो? यार चूहा तो आया नहीं, मेरे को लगा बर्तन ही मांग लेते हो, काम ही हो जाएगा यहाँ पर। चूहा तो अभी तक नहीं आया भाई, हैंग ना मिनट। यहाँ पे दो बिस्कुट रखे थे ना यहाँ पे, वो भी मोटे वाले। भाई यहाँ पर तो सिर्फ आधा पड़ा हुआ है। आपने चूहा मिस कर दिया भाई, क्या कर रहे हो? ट्रैप नंबर 84, सबसे पहले मैं इसको रखना है, और दूसरा वाला ट्रैप मेरे को बाजार से ले गया है अभी। ये ड्रिल से कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ है। हाउ टू कैच ए माउस फास्ट। क्या बंदूक दिखा रहा है? करंट देख के चूहे को मारने की प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। हाँ, करंट देख के। ओके, बिकॉज मेरी नेक्स्ट वाली प्लानिंग एकदम सिंपल है। मेरे को यहाँ से बाजार से ट्रैप लेके आनी है, तो यहाँ पर मेरे को रखना है मोटा चंक चीज का, और ट्रैप को सीधा करना है, और जैसे चूहा चीज खा जाएगा छपा। लेकिन दूसरा ट्रैप लाने से पहले ना मेरे दिमाग में एक और प्लान आ चुका है, और वो दूसरा प्लान ये है कि अगर वो चूहा नहीं हुआ फिर मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मेरे को डीप इनसाइड शक है कि मे बी ये चूहा नहीं हो सकता। और वही साबित करने के लिए मैं लेके आ चुका हूँ एक खतरनाक वाला डब्बा। मैंने कैमरास मंगा कर रखे हैं, और मेन पंगा पता है क्या है? मेरे को चूहे को मरते हुए रिकॉर्ड करना है इन कैमरास के ऊपर, ताकि मैं ये मूवी बाकी चूहों को दिखा सकूं, ताकि उनको ये पता लगे कि वो अगर मेरे घर के अंदर आएंगे तो उनका ये हाल होगा।
अब नहीं बोल आलू खा के रखे है ठीक यहाँ पे, मतलब कि वो यहाँ से चीजें लेके जा रहा है और अंदर जाके पार्टियां हो रही है चूहे की। लाइव आलू टेलीकास्ट देख रहे हैं हम यहाँ पर। एंड ये रहा गाइस अब तो डब्बे वाला कैमरा नाइस। और अभी गाइस पूरी सीसीटीवी कैमरा सेट करने के बाद मैं और लॉगी जा रहे हैं वेदर को एंजॉय करने, प्लस एट द सेम टाइम मोटे वाला ट्रैप लेना मेरे को, जिसे भालू पकड़ते हैं ना वो वाला ट्रैप लेके आऊंगा मैं, देखना आप। चारी भाई क्या कर रहे हो? यार चूहे की वाला पूरी नजर रखी हुई है, ये देख मैं यहां से बात भी कर सकता हूं। और ये रही वो दुकान जहाँ से हमको लेने हैं मगरमच्छ पकड़ने के ट्रैप। क्या ढूंढ लिया आपने? किधर है ट्राइडेंट? पचने वाला नहीं है बता रहा, मेरा बहुत गुस्सा आ रहा चूहे के ऊपर। मिला आपको? देख रहे नुकीली चीजें देख रहा है इसके अंदर चूहा फचैक से आ गया ना तो खून एवरीवेयर। ये थोड़ा बहुत जुल्म हो जाएगा चूहे के ऊपर, तो ये लकड़ी वाला ले लो, हमें इसको आराम से पकड़ना। ओके तो ये वाले थोड़े बहुत मेरे को जो है ईमानदारी वाले लग रहे हैं। मेरे को लगा था कि मैं ये वाले लूंगा बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह, लेकिन नहीं, ये वाले थोड़े बहुत मेरे को ईमानदारी वाले लग रहे हैं, तो एक पैक में ये ले लेता हूँ। चूहे पकड़ने का सामान रेडी हो चुका है और आज का मौसम बहुत ज्यादा मस्त है, तो आज इसी खुशी में मैं तेरे को कॉफी पिलाऊंगा, ठीक है ना? करेंगे वन चाय लाते प्लीज। आइए आइए और ट्राई तो करना फिर। ऐसी है ये गाइस चपाती भाई की हरकत है, जो शुगर बच चुकी है वो घर पे लेकर जा रहे हैं। आपको पता ना फ्री थी। और अभी आ चुका है अपना गाइस नेक्स्ट दिन, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जिम एक्सरसाइज और जिम, और उसके बाद में ड्राइव करके जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरा डब्बे वाला ट्रैप एकदम से फुली एक्टिवेटेड था। इस डब्बे के नीचे पॉसिबली कुछ ना कुछ हो सकता है। सबसे पहले दरवाजा खोलना मेरे को, कुछ हुआ तो सीधा बाहर। उसके बाद मैंने अपने कैमरा चार्जिंग पर लगाना शुरू कर दिया और अपना ब्रेकफास्ट खाना चालू कर दिया। चाय पीते समय जब मैंने अपने कैमरे की फुटेज चेक की तो ब्रो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ओ माय गॉड, नूबड़े का साइज देखो ब्रो, मेरे को लगा था कि इतना सा चूहा होगा, ये बड़ा चूहा है यार। वीडियो और ट्रैप देखते देखते मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इसे तो मक्खी भी नहीं पकड़ी जानी भाई। भाई ये देख रहे हो उसका साइज, कितना मोटा चूहा है यार ये। भाई ये अपने बिस्किट से चार गुना बड़ा है, लिटरली मेरे सामने है ये। वो लिटरली इन दोनों ट्रैप्स को कंबाइन करेंगे ना तब भी इससे बड़ा है, लेकिन नहीं, बिग प्रॉब्लम्स नीड्स बिग सॉल्यूशन। अभी मेरे दिमाग में बहुत खतरनाक वाला आइडिया आ चुका है, हम अपना ट्रैप एकदम मैक्स लेवल पर अपग्रेड करेंगे, लेवल 100 पर। तो चोर को बाहर निकालने के लिए पहले उसको लालच देना पड़ेगा, लालच। तो ये रही पप्पू की दुकान और वहाँ से मेरे को लेना है पीनट बटर एंड घर में से मिलता है मेरे को चीज। उसके बाद मैं जाता हूँ वही कल वाली दुकान के ऊपर जहाँ से मेरे को ये पुराने वाले ट्रैप एक्सचेंज करके लेने हैं मोटे वाले ट्रैप्स। और आप बिलीव नहीं करोगे सबसे खतरनाक वेपन है ये डंडी, इसका मैं बहुत खतरनाक ट्रैप बनाने वाला हूँ, लेवल 3 ट्रैप होगा ये। ट्रैप नंबर 1 देख के डर लग रहा है इसको, तो ये रखना है ऐसे, ठीक है? अगर मैं इसको हल्का सा भी ऐसे टच करूँ ना। ओके तो एक यहाँ पर सेट, ठीक है? अब यार ट्रैप नंबर 2, तो सामने जो छेद देख रहे हो ना आई थिंक यहाँ से आ रहा है, तो ये ट्रैप जाएगा बिल्कुल इसकी एंट्री के पास। वो भी सोचेगा कि एंट्री करते खाना फ्री, तो ये है लेवल 50 का ट्रैप। तो बेसिकली गाइस इसके ऊपर लग गया ग्लू, तो मेरे को ये पील करना है यहाँ से और अपनी ग्लू एक्टिवेट हो जाएगी। एक जाएगा यहाँ पर, दूसरे वाला जाएगा इस बिस्किट के एकदम पास, देख रहे हो? ये है लेवल 100 ट्रैप, इससे बच के जा ही नहीं पाएगा वो बंदा। ये लोगी हाथ डालियो अंदर, रहने दो भाई मुझे नहीं डालना। ये अंदर देख लो ना, ये अंदर बनी हुई लिटरली नो जोक प्रेशर प्लेट, ठीक है ना, माइनक्राफ्ट की तरह। तो अंदर चूहा जाएगा एंड फटा छेद करके रखा हुआ है उस अंदर, और अभी इसके अंदर हम डालेंगे ये टिश्यू का रोल। कमल लगे ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर एंड ये जाएगा यहाँ पे। फोर व्हीलर बना रहे हो क्या? देखियो तो अभी क्या बना रहा हूँ मैं। अभी इसको बांधना है मेरे को टेप के साथ, और अभी मेरे को ये वाला स्क्रू इसके साथ खोजे, जमीन के साथ चिपक गया यार, ये सुपर डुपर ग्लू है ये।
ये यहाँ पर ग्लू लगी हुई है, ये मेरे को जोड़ना है इसके साथ। गुड, जैसे ही चूहा आएगा बटर खाने के लिए सीधा नीचे, या तो ये काम करेगा या तो नहीं करेगा, मेरे को नहीं पता। फाइनली गाइस, इसके लिए हमने बना के रखना एक छोटा सा रैंप, अभी आएगा अपना फाइनल ट्रैप। तो वन सेकेंड, प्रेशर प्लेट एक्टिवेटेड है, तो जैसे ही चूहा यहाँ पे पैर रखेगा प्लेट के ऊपर, दरवाजा बंद। एक, दो, तीन, चार एंड पांच, छह एंड सात। यार सात ट्रैप है, एक तो काम करेगा ही करेगा ना। और अभी गाइस जाने से पहले कैमरा भी सेट कर लेते हैं, तो एक मेरे को रखना है यहाँ अंदर और एक मेरे को रखना है यहाँ पर। चूहा प्रूफ सेटअप हो चुका है यहाँ पर। और इमेजिन करो हमने सात ट्रैप रखे हैं, इमेजिन करो हमने सात चूहे पकड़ लिए, ये तो अलग ही लेवल की फिर बात हो जाएगी ना फिर। और अभी आ चुका था नेक्स्ट दिन, तो वंस अगेन वही जिम, लेग डे, एक्सरसाइजिंग। और अभी चलते हैं गाइस घर के अंदर। ओके लेट्स गो। ओके तो यार ट्रैप नंबर वन खाली, ट्रैप नंबर टू खाली, ट्रैप नंबर थ्री भी खाली, फोर भी खाली, फाइव भी खाली, ट्रैप नंबर सिक्स खाली, ट्रैप नंबर सेवन भी खाली। सात ट्रैप रखे हैं, सात, एक ने भी नहीं पकड़ा। उसके बाद नॉर्मल नाश्ता पानी और चाय का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। और चाय पीते समय जब मैंने चूहे की ये क्लिप देखी ना, तो मेरे को लगा कि भाई मैं ही बेवकूफ हूँ। ब्रो ये क्लिप देखो आप, ये देखो स्क्रीन के ऊपर, वो देखो नीचे आया मेरे ट्रैप में से चीज लेके वापिस चला गया और ट्रैप एक्टिवेट भी नहीं हुआ। और अगर मैं प्रीवियस क्लिप्स देखूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि बंदा बहुत चालाक है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो देख रहा है कि बाहर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वो निकल नहीं रहा। पूरा चीज खा गया यहाँ से, देख रहे हो पूरा चीज। और अभी इस बंदे ने मेरे घर को जो है प्लेग्राउंड बना के रखा हुआ है, अपनी मर्जी से आ रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, कभी यहाँ घूम रहा है, कभी वहां घूम रहा है। एक सेकंड के लिए मेरे को लगा था कि मेरे कारपेट वाले ट्रैप मे बी काम कर सकती हैं, बट वो भी फेल। अभी ये बंदा लिटरली गाइस मेरे जज्बातों के साथ खेल रहा है ये, और जो मैंने ट्रैप्स बिछा के रखे थे लिटरली उनके ऊपर से छलांग मार के दूसरी ओर जा रहा है। लेकिन ब्रो फाइनली चूहे का लग खत्म होता है और वो इस वाली क्लिप के अंदर पकड़ा जाता है। ऑब्वियसली मैं क्लिप दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ी बहुत ये ब्रूटल होगी थी, तो यूट्यूब वाले सर्च मेरे को बहुत मारेंगे इसके लिए। और ये वो जगह थी जब अपना चूहा बाहर आता है, ट्रैप के ऊपर पैर रखता है और वहीं पर फंस जाता है। अब मैं जब अगले दिन अपने घर के अंदर आता हूँ और ट्रैप को देखता हूँ, तो फाइनली गाइस हमने अपने परिंदे को पकड़ लिया है। और ऑब्वियसली गाइस दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि आई डोंट नो यूट्यूब कैसे रिएक्ट करेगा। फिलहाल मेरे को ये वाली फुटेज दिखानी नहीं है, बट आप देख सकते हो बहुत ज्यादा हैवी है यार ये। और अभी मैं इसको ऐसे घुमा कर फेंकने वाला नहीं हूँ, अभी हम इसको अपने गार्डन के अंदर दफन करेंगे। आइए आइए सर जी, इसको ऐसे बांधू यहाँ पर। इसको यहाँ पर चिपका दो। यहाँ चिपका दो यहाँ। तू अपने पास रखे भैरव के। भाई मुझे नहीं पकड़ना, भैरव के पास देख ले आराम से यार। यहाँ पर पकड़ लेता हूँ ऐसे। आज मैं गाइस इस चूहे को दफनाऊंगा अपने घर के अंदर, ताकि बाकी चूहों को पता लगना चाहिए कि यहाँ पर शेर रहते हैं। लग गई हाथ के ऊपर, कहाँ यहाँ दफनाते हैं इसको, यहाँ पर। हाँ यहाँ कर दो, शुरू हो जाओ। ओके गाइस, तो ये रहा अपना महान चूहा। यही हाल होगा चूहों का, पूरे साथ में मेरे को लगा चूहे को पकड़ने में, एंड फाइनली बंदा पकड़ा गया। हैंग ऑन अ सेकंड, जो मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखे थे ना, उसके ऊपर एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है। रुको चेक करते हैं फटाफट, मैं यहाँ पर हूँ, लॉग यहाँ पर हूँ, तो घर के अंदर कौन हो सकता है? दो सेकंड में चेक करता हूँ। फिर से आ गया क्या ब्रो? एक और भी आया।